कहानी का अंत तो ऐसा होना चाहिए कि जादूगर शुड हिट बैक टू द मदर, यानी कि जादूगर पलट कर क्या करे, मां पर वार करे। कहानी का अंत कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जादूगर क्या करे, पलट कर मां पर वार करे। और पापा आप कहते हो कि द मैजिक द सुप्रीम पावर द मैजिक वॉज द विजार्ड हैड द ऑल सुप्रीम पावर ऑफ द मैजिक। हाउ कुड अ मदर अ स्मॉल मदर बीट हर। तो यहां पर बेटा ये बताया गया कि स्कंक जो है जो इतना बड़ा ताकतवर जो विजार्ड है एक सुप्रीम पावर है, उसको जो है एक मामूली सी मां कैसे पीट सकती है। तो जादूगर को पलट कर मां पर वार करना चाहिए था, जो ये चाहती थी। जो के अंत में मन में यही रह गया कि वो पलट कर जो है जादूगर मां पर वार करे। तभी जैक ने अपनी बेटी को समझाया। जैक ने कहा, बेटा जो भी मां बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं। कहानी के अंदर कुछ लाइनें जैक ने फिर जोड़ी। उसने कहा कि स्कम की मां जादूगर से अपने बेटे की पुरानी बदबू लेकर उन्हें जानवरों के पास अपने बेटे को लेकर गई और उन्हें सभी जानवरों के सामने कहा कि ये स्कंक मेरा बेटा अपनी महक को बदलवाना चाहता है, अपने लिए नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम कैसे दोस्त हो, तुम अपने दोस्त को बदलकर दोस्ती करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू चेंज योर फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स स्मेल। तुम किस तरह के दोस्त हो, वो दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकता जो दोस्त को बदल कर दोस्ती करे। तो इस तरह से बेटा जॉ के मन में अंत में यही सवाल रह गया कि जादूगर पलट कर मां पर वार करे। बट रियलिटी असलियत में ये बात बताई गई है कि जो स्कंक है वो एक बदबूदार जानवर है और सभी जंगल के जितने भी जानवर थे उसने जो है उन्होंने उसकी बदबू को या बदबू के साथ उसे स्वीकार किया। पर फिर भी जो चाहती थी कि मां को जो है अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, मां को समझना चाहिए था कि एक बच्चे बेटे उसके बच्चे के सामने क्या क्या दिक्कत आती होगी, कि वो किस तरह से फील करता होगा जब कोई उसके साथ नहीं खेलता होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है बेटा आपके सामने मैंने रखी हैं, एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके सामने पेश की है, आप प्लीज इसको समझिए और ध्यान दीजिए। अगर किससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज कॉन्टेक्ट मी।